नमस्कार वेलकम यू ऑल टू अखिल टुडे आई विल बी डिस्कसिंग करंट अफेयर ऑफ सितंबर 11। लेट्स क्विकली लुक एट द न्यूज़ द फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग एडॉप्शन पॉलिसी न्यू एडॉप्शन रूल्स क्रिएट कंफ्यूजन। आ, ये देख सकते हैं ये ये जो एडोपसन है इसको लेकर जो है आप आ, ये याद रख सकते हो कि ये प्रिलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसा कि आप जीएस पेपर वन में इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चाइल्ड रिलेटेड इशू क्या है या फिर मेंस में जो है जो एडोप्सन का जो एक एडोपसन पॉलिसी है जो हमारा एडोपसन इको है उसको लेकर क्या क्या इशूज़ है या फिर इशूज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रेन क्या क्या है तो आप इस पर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो तो जैसा कि यहाँ पे आप देखो देखोगे क्या जो न्यू एडोपन रूल्स है उसमें देखोगे क्या जो पहले आपको पता होगा कि हमारे हमारे इंडिया में जो जुडिशल पेंडेंसी है कोर्ट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केसेस हैं तो उनमें इस वजह से अभी क्या किया गया था कि जो आ, जो जुडिशल में जो केसेस है जो पेंडेंसी है उसको बाईपास करने के लिए जो फाइनल से होता है इस पर कि हाँ आपको एडोप्ट करना है किस तरीके से क्या करना है तो उसके लिए जो फ़ाइनल से था वो जो है हमारा जुलिसरी से शिफ्ट कर गया था डी के साइड पे यानी अब डीएम का जो होगा फाइनल से होगा उसके बाद ही आप आ, जो है प्रोसेस को आगे कर सकते हो तो इसके पहले से ही हमारा जो प्रोसेस था वो पहले से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस था बट अभी क्या है क्या, क्या? ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर गया है कि अभी आगे किस तरीके से करना है या फिर आप देखोगे तो जो डी है या फिर जो भी आ, इसके रिलेटेड स्टेक होल्डर हैं तो उनको अभी इस रूल के बारे में कंप्लीटली अवेयर ही नहीं है तो ये इस वजह से ये जो न्यूज़ में है क्या ये जो है और ज़्यादा प्रोसेस को कम बना सकता है और भी ज़्यादा क्या कहते हैं डिले कर सकता है और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है तो इस वजह से देखना है अगर इसका ब्रॉड टॉपिक में देखोगे तो आपको दो तीन चीज़ों पर ध्यान रखना है ब्रॉड टॉपिक में आपको ध्यान रखना है क्या जैसा जैसा मैंने बताया क्या चाइल्ड जो एडोपसन जो है उसको क्या क्या इशू है आ, आपको ये ध्यान रखना है तो आपको इसमें जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं इशू का बात करूं कि क्या-क्या इसका जो रिलेटेड इशू है आपका रिलेटेड इशू इसमें दिख जाएगा क्या Just a second. तो इसमें अगर मैं बात करूं क्या जो चाइल्ड जो एडॉप्शन पॉलिसी है उसको उसके रिगार्डिंग जो इशू हमारा क्या है तो इशू में आप देखोगे कि जो गैप है जो एक बहुत ज़्यादा ही गैप है क्या जो आपका एक पर्सपेक्टिव आपका जो पेरेंट्स है जो चाह रहे है विलिंग जो चाह रहे है कि हाँ हमें हमें बच्चे को अडॉप्ट करना है और उसमें आप देखोगे क्या जो बच्चे को जिसको अडॉप्ट करना है उसमें गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं है या फिर जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर है कि हाँ ये सारे बच्चे को हमें अडॉप्ट करना है जो पेरेंट्स का इसमें आप देखोगे क्या नंबर ज़्यादा है काफ़ी ज़्यादा विलिंगनेस है क्या हमें जो है इसको अडॉप्ट करना है बट जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है वो यहाँ पे अवेलेबल है तो ये एक वाइड गैप है यहाँ पे दिख रहा है कि ये इसको आपको एड्रेस करने का ज़रूरत है फिर दूसरा आप देखोगे क्या जो जो अगर जो एडॉप्शन हो जाता है उसके बाद अगर एडॉप्शन होने के बाद जो है बच्चे को रिटर्न कर दिया जा रहा है तो इसमें भी अगर देखोगे क्या रिटर्निंग uh, में भी मेजोरिटी जो है मोर देन 50 परसेंट जो है उसमें आपको गर्ल्स का नंबर मिलेगा क्या पहले उन्होंने एडॉप्ट uh, कर लिया पेरेंट्स ने उसके बाद फिर उसको रिटर्न कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत मेजर इशू है तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो इसमें जो तीसरा अगर मैं बात करूँ कि ये जो आपका कारा ये याद रखना है ये आपको याद रखना है प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कारा ये जो है एक स्टैचूटरी बॉडी है इसका अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ तो ये कारा जो आपका हो गया सेंट्रल आ, सेंट्रल एडोपसन सेंट्रल एडोपसन रिसोर्स अथॉरिटी है जैसा आप देख सकते हो कि सेंट्रल आ, सेंट्रल डोपन रिसोर्स अथॉरिटी ये एक आपको याद रखना है, ये एक स्टैचुट्री बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है तो आपको ये कारा के बारे में आपको याद रखना है प्रलिम्स के पर्स्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कारा के बारे में आपको याद रखना है और किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है और ये स्टैचुट्री एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर करता है तो आप देखोगे क्या ये जो और तो इंडिया में जितने भी जो एडोपन पॉलिसी हैं उनका ये जो है नॉडल आपका जो है नॉडल बॉडी है क्या इसके आ, ये जो है एडोप्शन uh, को लेकर जितना कुछ भी अगर कोई भी होता है तो ये इसका नॉर्डल बॉडी है ये एक स्टैचुटरी बॉडी है ये आपको ध्यान रखना है तो ये आप देख सकते हो सिमिलरली आप देखोगे क्या जो इशूज़ में है uh, इशूज़ में अगर मैं फोकस करूँ तो इशू पे अब आओगे क्या इशूज़ में जो डिसेबल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं क्या उनको जो उनको लेकर जो है पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो क्यूरियस होते हैं वो नहीं होते नहीं क्या वो उनको अडॉप्ट uh, करना पसंद नहीं करते डिसेबल बच्चे को तो बहुत अगर आप देखोगे हंड्रेड बच्चे को अगर अडॉप्ट किया जा रहा है तो उसमें से एक बच्चा ही है वन परसेंट ही ऐसे बच्चे हैं जिनको डिसेबल बच्चे को वो एडोप्ट कर रहा है तो ये भी आप देख सकते हो और इसमें अगर मैं सबसे मेजर इशू बताऊँ तो सबसे मेजर इशू जो है आपका वो होता है इसमें चाइल्ड ट्राफिकिंग का लेकर चाइल्ड ट्राफिकिंग को लेकर जो है इसमें बहुत आ, मेजर इशू आ जाता है क्योंकि अडोप्शन का नाम कहते हैं और उसके बाद फिर जो है बच्चे को आ, ट्राफिकिंग के लिए यूज किया जाता है तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है कि इसको किस तरीके से एड्रेस करना है चाइल्ड ट्राफिकिंग को आपको जैसा अभी ये पैंडेमिक के टाइम पे जो ग्लोब पैंडमिक है तो यहाँ पे इस टाइम पे आ, हमारा जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है उसमें आप देखोगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग में भी जो मेजर जो बच्चे होते हैं वो जनरली आपको मिलेगा जो पूअर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनके बच्चे होते हैं तो इस वजह से हमें जो भी इनके मिनिस्ट्री हैं या फिर हमाराकारा हो गया उनको इन बात पे फोकस करना चाहिए कि ये इन बच्चों को जो है प्रॉपर एक आ, एक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड होता कि ये लोग को इन लोगों के साथ जो है जो बच्चे हैं इनके साथ कब आ... इन ये जो चाइल्ड ट्राफिकिंग है इनका प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े या फिर जो और भी इनसे रिलेटेड इशू हैं वो फेस ना करना पड़े तो ये सारे आप मेजर मेजर इशू में आप कह सकते हो ये मेजर इशू है सिमिलरली अगर मैं बताऊं तो एक सबसे इसका और भी एक इशू है जैसा आपको पता होगा क्या एल जो कम्युनिटी है उनमें उनमें जो है इनको एडोपसन को लेकर कुछ नहीं कहा जाता है क्योंकि आप देखोगे एडोप्शन का अगर इंडिया में अगर मैं बताऊँ तो अड, अड, जो आपका इंडिया में एडोप्सन को लेकर जो सबसे मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपका होना चाहिए कि आप पहले मैरिड हो लेकिन एल जी बी टी क्यू में जो है हम लोग जो है इनका जो मैरिज का वैलिडिटी इंडियन लॉ जो है वो अभी वैलिडिटी ही नहीं देता है कि आप जो है वैलिड नहीं कहोगे क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो है प्रॉब्लम आ जाता है कि किनको हस्बैंड माना जाएगा किनको वाइफ माना जाएगा तो इस वजह से एक कन्फ्यूज़न है जिसकी वजह से जो मैरिज जो है उनको इनवैलिड वैलिड जो है लीगली वैलिड नहीं मानते और इस वजह से प्रॉब्लम किया ये आ जाता है कि इनका जो एक पेरेंटहुड होता है क्या हम बच्चे को अडॉप्ट करना वो चीज़ ये फुलफिल नहीं कर पाते क्या अगर इनको एडोपसन करना है बच्चे को अडॉप्ट करना है तो ये जो हैं जो क्विर कम्युनिटी के हैं तो ये फिर अडॉप्ट नहीं कर पाते इस वजह से क्या होता है कि ये लोग जो है इलीगल मीनस फिर जो है इलीगल तरीके से एडोप्सन करने लगते हैं तो ये भी कह सकते हो ये एक मेजर प्रॉब्लम है किस तरीके से ये इलीगल प्रॉब्लम को आगे फेवर कर रहा है तो आपको बेसिकली इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि क्या क्या जो है हमारा इशूज़ है तो मेजर इशूज़ का मैं बताया कि ये सारे इशूज़ पे हमें जो है फोकस करने का बात है जहाँ तक मैं लॉ का बताऊँ कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इंडिया में अडॉप्शन को लेकर है तो क्या क्या लॉज है क्या तो आपको जो है जैसे क्या अभी यहाँ पे देखे हो ये जो देख रहे हो क्या रूल्स रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न तो ये जो है बेसिकली बा, बात कर रहा है आपका हमारा जुबेनाइल जस्टिस के सॉरी जुबेनाइल जस्टिस जो अभी केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन जो एक्ट था इनके वजह इनके बारे में बात कर रहा है तो आपको ये एक ध्यान रखना है कि जो हमारा जो एक लॉ uh, है वो ये हो गया जुबेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रेन एक्ट ये आपको याद रखना है ये जो है आपका एडोपसन uh, को लेकर बात करता है सिमिलरली आप देखोगे तो एक हामा करके एक आता है जिसमें हिंदू एडोपसन एंड मेंटेनेंस एक्ट है ये आपका 1956 है तो ये दो एक्ट जो है इंडिया में बेसिकली एडोप्सन को लेकर बात करता है जिसमें क्या आप देखोगे क्या इस हामा के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग तो इसमें आप देखोगे जो हिंदू होते हैं बुद्धिस्ट होते हैं जो सिख और uh, आपका जो जैन कम्युनिटी है ये इन चीज़ों इन इनको जो है लीगलाइज किया गया ये जो है अडॉप्ट कर सकते हैं जैसा अगर और दूसरे कम्युनिटी का बात करूँ तो अगर दूसरा कम्युनिटी अगर अडॉप्ट करना चाहता है तो वो, वो इनके अंडर आएगा क्या हमारा जो जुबेनाइल जस्टिस है वो इनके अंडर आएगा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो जुबिनाइल जस्टी जस्टिस है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेलम्स के पर्स्पेक्टिव से ये भी आपको याद रखना है ये आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर ये काम करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उनके अंडर ये काम करता है सिमिलरली आपका जो आ, आप देखोगे क्या जो हमारा हिंदू सॉरी जो हमारा हिंदू एडॉप्शन एक्ट है ये जो है हमारा वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ मैंने उल्टा बता दिया सॉरी ये जुबेनाइल जस्टिस जो है ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है ये आपको याद रखना है जो जुबेनाइल जस्टिस है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है एज अगर आप हामा uh, को देखोगे तो ये जो है आपका ये आपका वर्क करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर ये याद रखना है आपको हामा जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर काम करता है और जुबेनाइल जस्टिस जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है तो ये आपको याद रखना है तो इसमें ब्रॉडली आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है अगर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं तो सॉल्यूशन आप कह सकते हो कि जो भी इनके चैलेंजेस है उनको एड्रेस कर सकते हो तो ये आपको इन पे मेजरली आपको फोकस करना है कि क्या क्या इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है कि हम जो है किस तरीके से इसको इंक्लूसिव बना सकते हैं हम जो है किस तरीके से चाइल्ड वेलफेयर पे इवेंचुअली जो है इसमें हमारा एम जो होता है कि बच्चे का वेलफेयर हो तो हम चाइल्ड के वेलफेयर पर हम किस तरीके से इसका ध्यान दे सकते हैं और मैं और बताऊँ इसका अगर सॉल्यूशन मैं प्रेजेंट करूँ तो अगर जो इसमें जो है चाइल्ड सेंट्रिक जो है हमारा अभी चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए जो पेरेंट सेंट्रिक नहीं होना चाहिए चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए सिमिलरली इंक्लूसिव होना चाहिए जो है जो बच्चे का भी यहाँ पे स्टेक होल्डर जो है एक बच्चा मेन स्टेक होल्डर है तो उनके भी राइट का ध्यान रखा जाए और बाकी जो भी लैब्सेस हैं जो इसको एक जो स्ट्रीम करने का बात किया जा रहा है कि इसको जो है जो कन्फ्यूज़न ना हो जो एक स्ट्रीम तरीका हो जितने भी ये आ, हमारा इंस्टीट्यूशनल जो रेड टेपिज़म है या फिर जो आ, ये इंस्टीट्यूशनल जो हमारा प्रॉब्लम है उसको हम किस तरीके से स्ट्रीम कर सकते हैं तो ये आप सोल्यू प्रेजेंट कर सकते हो इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट न्यूज पे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज में आप देखोगे जैसा एमपी फर्स्ट टू ड्राफ्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी जैसा आपको पता होगा क्या ये भी जो है हमारा जो है जी पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है या जिस जी एस पेपर टू में भी आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो सोशल जस्टिस में या फिर आप इसे एस uh, ए में कर सकते हो एथिक्स में कर सकते हो तो सुसाइड जो है एक मेजर टॉपिक है इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सुसाइड जो है हमारा एक सोसाइटी में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है अभी आप एन का डेटा देखोगे तो एन के डेटा के अकॉर्डिंग जो है uh, जो उसमें जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो इतने जो अराउंड डेढ़ लाख जो सुसाइड uh, हुआ है अराउंड ट्वेंटी में उसमें

3.05 जो है जो अवेटमेंट ऑफ एवेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में बात करता है तो उसमें आप देखोगे क्या सुसाइड एक जो है आपका पनिशेबल अफेंस है तो क्योंकि आप जैसा कि आपको पता होगा क्या जो रिसोर्सेस है रिसोर्सेस बिलोंग्स टू स्टेट आप जो है आप जो है एक ह्यूमन रिसोर्स हो आप अपने आप को खुद से आप अपना आप जो है खुद को सुसाइड कमिट नहीं कर सकते क्योंकि इससे इवेंचुअली क्या होगा क्या जो ह्यूमन रिसोर्सेज है स्टेट का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है तो इस वजह से जो आईपीसी को लेकर ये है तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें ये भी होगा कि जो तो राइट right टू डाई क्या है हमारा राइट टू डाई का अगर मैं बात करूं जैसा आपको पता होगा कि जो आर्टिकल हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आप जो है हमारा राइट टू लाइफ का अगर जैसे बात करूं, तो उसके अंडर हमारा आता है राइट टू डाई भी क्योंकि राइट टू लाइफ सिमिलरली राइट टू डाई आएगा जैसा आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जो अरुणा साम्वा केस को लेकर है उसमें जो है हम लोग बात करते हैं राइट टू डाई में जो है एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया का तो हमारे कंट्री में जो है पैसिव यूथेनेशिया अलाउड या एक्टिव यूथेनेसिया अलाउड नहीं है तो इसको लेकर भी आप बात कर सकते हो कि पैसिव यूथेनेसिया है या फिर सुसाइड को लेकर क्या क्या है तो ये चीज़ जो है आपका अभी बात हो सकता है तो आपको मेजरली अभी ये याद रखना है कि सुसाइड को लेकर भी अभी जो है इसका प्रिवेंटिव मेजर हम लोग ले रहे हैं तो इसको लेकर आप ये देख सकते हो सिमिलरली जो है हमारे जो डेटा है उसको देख सकते हो और फिर ये जो एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया है इस पर भी आप देख सकते हो कि क्या इससे क्या प्रॉब्लम है या क्या जो है पैसिव यूथेनेसिया में भी क्या क्या सोल्यूशन है जैसा मैंने अभी जो अरुणा साम्वॉक केस के बारे में बताया उस पर भी आप देख सकते हो तो अभी इसमें तो इतना है अभी जो है गवर्नमेंट जो है जैसा कि मैंने बताया कि जो एक कमेटी बनाने वाली किस तरीके से इस पर काम करना है तो अभी जैसा ये आगे होएगा तो बात करेंगे इस पर अभी फिलहाल के लिए आपको इसमें इतना याद रखना है नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं तो ये जो जैसा मैंने बताया कि अभी जो बांग्लादेश की शेख हसीना आई हुई थी हमारे कंट्री में तो इसमें जो है आपको हर एक चीज़ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ क्या है क्योंकि आपको इंडिया बांग्लादेश रिलेशन का एज अ ओवरऑल आपको मेंस के परस्पेक्टिव से याद रखना है क्या इंडिया बांग्लादेश का ओवरऑल रिलेशन क्या है प्रिलियम्स के परस्पेक्टिव से बस ये याद रखना है क्या जो क्या क्या जैसा अभी मैंने बताया कि जब शेख हसीना आई थी इंडिया तो वो जो है कुश्यारा रिवर को लेकर जो इनका एक ट्रिटी हुआ है जो कि एक कह सकते हो एक लैंडमार्क ही है क्योंकि जो गंगा वाटर शेयरिंग है उसके बाद से ये आ, कोई जो वाटर शेयरिंग को लेकर दूसरा सबसे बड़ा हुआ है और उसके बाद जैसा मैंने बताया तीसरा वाटर को लेकर अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन आप कुशियारा रिवर को लेकर देखोगे तो इस पर जो है एम साइन हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो है हमारा कुशियारा रिवर बेसिकली कहाँ है जैसा कि आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे बांग्लादेश का ये मैप है तो ये वाला जो रिवर आ रहा है यहाँ पे जो आसाम से ये आती है तो ये एक कुशियारा रिवर है आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है एक बराक रिवर का प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से आपको ये याद रखना है कि बराक रिवर का ये एक डिस्ट्रीब्यूट्री है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आ, सेलेट डिस्ट्रिक्ट है जैसा कि आपको पता होगा सैलेट के बारे में जो जो आपको पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा जो बेरुबारी केस है तो वो ये इसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो बात करता है बेरुबारी केस भी तो यहाँ पे ये यहाँ से आपको देख सकते हैं यहाँ के लोगों के लिए जैसा आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो एक मेजर एग्रेरियन इकोनॉमी है तो यहाँ पे अब इस एम का एक सिग्निफिकेंस ये कह सकते हो क्या ये इसका जो क्यों ये बांग्लादेश के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि जब मानसून आता है तो उस टाइम फ्लड आ जाता है और फ्लड आ जाता है और फिर जब जब आप कह सकते हो मानसून नहीं होता है जब वाटर का अगर डिमांड ज़्यादा रहता है तो उस टाइम ये ड्राई हो जाता है तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है तो इस तरीके से एक कॉपरेशन हम किस तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते थे ताकि ये जो है प्रॉब्लम को हम काउंटर कर सके तो ये कह सकते ये काफी हो ये एक एम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा बांग्लादेश के लिए तो आपको इसमें इतना ज़्यादा मतलब इस पर फोकस नहीं करना है आपको बस प्रलिम्स के परस्पेक्टिव से ये याद रखना है क्या ये रिवर क्या है जैसे डिस्ट्रीब्यूटरी मैंने बताया इसका कहाँ है कहाँ से आ रहा है ये बांग्लादेश में किस तरीके से आ रहा है तो आपको इस पर मेजर इस पर ध्यान देना है बाकी आपको इंडिया बांग्लादेश का जो है रिलेशन ओवरऑल देखना है जो कि मैंने uh, काफ़ी डीपली अपने इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में भी समझाया तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो नेक्स्ट न्यूज़ में देखते हैं तो जैसा कि इसमें भी मैंने बताया ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या डेली डेली इस पर न्यूज़ आएगा तो आपको इनमें बस ये याद रखना है कि किंग्स चार्ल्स थ्री जो है इनको जो है एलिवेट कर दिया गया है एज किंग ये जो है अब जैसा आपको पता होगा अभी एलिजाबेथ टू जो इनका डेथ हुआ है तो इनके बाद जो है जो नेक्स्ट इन लाइन थे जो किंग किंग चार्ल्स है ये अभी बन गए हैं तो आपको इन पे ध्यान देना है कि हाँ ये बन गए हैं ब्रिटिश में जो है हमारा जो यूके में जो है यूनाइटेड किंगडम में वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो हमारा जो वहाँ का जो पॉलिटी है वो जो है आपका एक मनारकी है डेमोक्रेटिक जो है वहाँ पे डेमोक्रेटिक मोनार्की होता है क्या आपको यहाँ जैसा हमारे कंट्री में रिपब्लिक है तो ये आप याद रख सकते सको रख सकते हो क्या जो वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्की होता है जो किंग होता है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है तो ये एक आप कह सकते हो जो हमारा पॉलिटी सेक्शन टू जी एस में जो है हमारा क्या जो डिफरेंट कंट्री का जो वहाँ का पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कंपेरिजन तो उस पर ये एक फोकस है आपको बस इस पर इतना ध्यान रखना है नेक्स्ट मैं बात करूँ इस पर भी मैंने इसके पह, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया कि जी जी जो है अभी जी सेवन कंट्रीज़ जो है मेजर जो वर्ल्ड के मेजर मेजर इकोनमी जैसे यू हो गया कनाडा हो गया आपका फ्रांस हो गया तो ये जितने भी जो वेस्टर्न कंट्री है जी सेवन नेसन है तो उन ये ये लोग जो है आपको जैसा मैंने बताया कि ये लोग रसियन ऑयल पर प्राइस कैप लगाना चाहते हैं क्यों क्योंकि रसिया जो है अभी जो है जो भी ऑयल सेल कर रहा है जैसे इंडिया भी इंपोर्ट कर रहा है और सिमिलरली चाइना इंपोर्ट कर रहा है तो जो है जो वेस्टर्न नेशन है वो ये नहीं चाहता है कि जो है आप किस तरीके से जो रशिया के पास पैसा जा रहा है और फिर जो है वो वॉर को फंड कर रहे हैं। तो इस वजह से जो वेस्टर्न नेशन है वो चाहते हैं कि जो रसिया पे जो है एक ऑयल का कैप लगा दिया जैसा कि मैंने बताया अगर मैं एग्जांपल दो तो मान लो अगर अभी आ, मार्केट में जो है हंड्रेड डॉलर पर बैरल के हिसाब से अगर ऑयल का मार्केट है तो अगर यू जो या जी के कंट्रीज हैं वो जो है इस पर ऑयल प्राइस लगा देता है कैपिंग आपका कितना क्या सिक्सटी डॉलर का अगर मान लो एज्यूम करो क्या कि ये सिक्सटी डॉलर पर बैरल का इन्होंने ऑय ऑयल पे कैप लगा दिया क्या आप इनसे ज़्यादा पे नहीं कर सकते तो इससे क्या होगा क्या अभी जो भी अब इनसे अगर इंडिया या चाइना अगर इनसे ट्रेड करते हैं तो इनसे क्या हो जाएगा कि उनको सिक्सटी डॉलर में ही पे करना पड़ेगा क्या उनको ख़रीदने के लिए लेकिन अगर आप सोचोगे कि ठीक है अगर जी सेवन कंट्रीज़ जो है कह दिया और फिर हम क्यों ऐसा करेंगे या फिर ये ऐसा किस तरीके से इम्पोज कर पाएंगे तो इसका अगर देखोगे क्या जो मोडस ऑफ ट्रेंड आई है क्या क्या जो है किस तरीके से ये काम करने वाला है सारा तो उसका अगर मैं बात करूँ तो जैसा आपको पता होगा कि जो ओएल जो हमारी आती है तो रसिया से आती है तो रसिया से आप देखोगे क्या रसिया से आने के लिए ऐसा नहीं है कि बस ये उड़कर आ जाता है तो इसके लिए अब जो शिपिंग जो होती है जो शिपिंग होता है यहाँ से तो शिपिंग में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे मीन्स होते हैं क्या जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके बाद उसका जो किस तरीके से इंश्योरेंस हो रहा है तो ये क्योंकि जो रिस्क कवर होता है या जो इंश्योरेंस हो गया या ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो ये सारा चीज़ का जो एक मेजर जो आप कह सकते हो इनका स्टेक होल्डर है ये वेस्ट कंपनी वेस्ट है मतलब आप यूरोपियन और यूएसए की कंपनी जो है वहाँ पे ये सारा इन चीज़ों को देखती है तो अगर अगर मान लो जो G7 कंट्री है वो कह देता है कि आपको जो है इससे ज़्यादा पे नहीं करना है तो वो इस तरीके से इसको एज अ टूल यूज़ कर सकता है क्या हाँ ठीक है अगर आप इससे ज़्यादा अगर पे करोगे तो हम जो है ये आपका जो भी इंश्योरेंस का है या फिर ये हम ट्रांसपोर्टेशन है ये ट्रांसपोर्टेशन वे जो वेसल है तो ये हम लोग आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा क्या इनको कहीं और देखना पड़ जाएगा तो इस वजह से ये कह सकते हो इसको एज अ टूल यूज़ करने वाले हैं ताकि जो रस्या पे जो है ऑयल कैप हो जाए और जिससे कि जो रस्या के पास जो है कम पैसा जाए जिससे वो वॉर में जो है जो है जल्दी से जल्दी वो बंद कर दे तो ये कह सकते हो एक जो है uh ये एक मतलब ये एक स्ट्रेटी है जी जी सेवन नेसन का तो इसमें अगर मैं बात करूं क्या ठीक है इसमें रसिया का स्टांस क्या है वर्ल्ड का स्टांस क्या है या इंडिया का स्टांस क्या है तो रसिया का अगर मैं बात करूँ तो रसिया ने क्लियरली ये कह दिया है कि जो भी कंट्री अगर इस जी सेवन के प्रपोजल को फॉलो करेगा तो उसको जो है हम हम ऑयल सेल नहीं करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली रसिया ये बोल दिया है कि हम जो है उनको ऑयल ही सेल नहीं करेंगे तो दूसरा अगर मैं बात करूँ क्या इंडिया का स्टांस क्या है तो इंडिया ने अभी इस पर कुछ वैसा बोला नहीं है लेकिन देखोगे क्या ठीक है अगर मैं 60 बैरल में अगर मुझे मिल रहा है पहले अगर मार्केट में 100 बैरल का है अगर हम मुझे 60 बैरल का मिल रहा है तो ये तो हमारे लिए अच्छी अच्छी बात है लेकिन आप देखोगे क्या हमेशा पैसा ही सभी कुछ नहीं होता अगर आप अगर इस सिक्सटी डॉलर पर बैरल के हिसाब से अगर आप लेते हो तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको रसिया के साथ जो रिलेशन है वो खराब होता हुआ दिखने को मिल जाएगा कि रसिया जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है वो आपको दिख जाएगा क्या इससे हमारा जो है रिलेशन खराब हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है तो इसको लेकर अभी देखते हैं इंडिया जो है इस ऑयल कैप को किस ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा तो वो देखना रहेगा क्या किस तरीके से बातें जाती है लेकिन आप इसमें देख सकते हो कि अगर रसिया ने अगर मैं बोलूँ तो रसिया ने क्लियरली बोला है क्या जो है इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं बनेगा जो है हमें भरोसा है क्या इंडिया इस चीज़ का पार्ट नहीं बनेगा तो ये एक देखना रहेगा कि इंडिया जो है इस चीज पर किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है तो ये इस ये जो है आपका यहाँ पे इसका ये न्यूज देख सकते हो क्या वट इज जी प्लानिंग ऑन रशियन ऑयल तो ये पूरा आप जो है ऑयल को लेकर है तो इस पर आपको ये ध्यान रखना कि हाँ क्या है ऑयल इसमें इतना ज्यादा आपको सोचना नहीं है नेक्स्ट आप देखोगे क्या ये मोदी सेट टू अटेंड एस सी जैसा आपको पता होगा कि जो एस सी भी जो है फिफ्टीन ऑफ सेप्टेम्बर से जो है एस का सबमिट होने वाला है ये आपको ध्यान रखना है कहाँ होने वाला है ये उज्बेकिस्तान में होने वाला है वहाँ पे एक समरकंद एक जगह है वहाँ पे आपको याद याद रखना है कि ये वहाँ पे होने वाला है एस सी ओ एस सी ओ का अगर मैं बताऊँ तो एस सी ओ अगर मैं इसके हमने पिछले वीडियो में भी इन एस सी ओ के बारे में कवर किया लेकिन मैं ब्रीफली अगर बता दूँ तो एस सी ओ जो है एक संघाई कॉप कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ जो है एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट पे हम लोग बात करते हैं किस तरीके से जो है हम जो है आ, आपस में पीस ये जो जो है हम लोग यहाँ पे आ, पीस को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं टेररिज्म फ्री किस तरीके से हो सकता है तो ये आप देख सकते हो पहले जो है इसे इसका जो अभी आप देखोगे इसका हेड क्वार्टर आपको पता होना चाहिए संघाई में है। पहले इसे जो है संघाई फ़ाइव के नाम से जाना जाता था पहले जो भी कंट्री थे इसमें फ़ाइव कंट्री थे तो फ़ाइव कंट्री जो है संघाई फाइव के नाम से जाना जाता था संघाई फाइव के बाद जब टू वन में आप देखोगे तो वन में जब इसमें उज्बेकिस्तान जब इसमें आ गया था तो उज्बेकिस्तान के आने के बाद इसे जो है एस बना दिया गया और फिर देखोगे क्या जब एस में आप देखोगे क्या 2017 में इंडिया और पाकिस्तान का इसमें एंट्री होता है इंडिया और पाकिस्तान का तो आप देखोगे 2017 में ऐसा क्या हो गया क्योंकि आप देखोगे क्या 2017 के अराउंड जो है रसिया क्योंकि 2014 में रसिया पे जो है आपका वेस्टर्न नेशन ने सेंसन लगा दिया था आ, क्या जितने भी जो कंट्री हैं क्रीमिया नेक्सेसन को लेकर और फिर फिर जो चाइना का जो राइज हुआ है तो इस वजह से जो चाइना एकमात्र ऐसा कंट्री बना था जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लू रख रहा था तो रशिया रसिया चाह रहा था क्या जो हम इस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया को मेंबर बना देते हैं लेकिन जब इंडिया को इसने मेंबर रसिया ने इंडिया का मेंबर बनाने के लिए पूछ किया कि हाँ क्योंकि चाइना जो है बहुत ज्यादा इस टाइम तक इनका राइज हो चुका था तब रसिया इस बैलेंस को इसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने इंडिया को बोला कि आप इनको इंडिया को इसमें बुलाओ लेकिन फिर चाइना फिर सिमिलरली क्या चाइना जो है पाकिस्तान कार्ड जो है खेला क्या ठीक है इंडिया आएगा तो आप पाकिस्तान को भी इंटर कराओ तो जब टू में आप देख सकते हो कि ये जो है फिर आया और एस डायलॉग पर हम लोग बात करने वाले तो आपको ये याद रखना है एस में अभी जो भी मेजर डेवलपमेंट होगा वो हम लोग देखेंगे क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं सिमिलरली सी जिनपिंग जो है फर्स्ट टाइम जो है चाइना से बाहर निकलेंगे पेंडेमिक के बाद सब मिलेंगे वहाँ पर तो देखने रहेगा क्या किस तरीके से क्योंकि लद्दाख स्टैंड ऑफ भी हुआ है तो फिर हमें ये ध्यान रखना है क्या किस तरीके से बात आगे बनती है क्योंकि कोई बैलेटरल मीटिंग होगा या नहीं होगा तो ये सब देखना रहेगा सिमिलरली पाकिस्तान के जो सहबाज शरीफ हैं वो भी वहाँ पे होंगे तो देखना रहेगा किस तरीके से बातें आगे बनती है जो भी डेवलपमेंट होगा उस पर फिर हम लोग बाद में बात करेंगे आपको इसमें अभी फिलहाल ये याद रखना है नेक्स्ट न्यूज़ पे देखोगे तो इंडिया स्टेज आउट ऑफ द ट्रेड पिलर इंडो पैसिफिक में जैसा आपको पता होगा कि जो हमारा आपका ये जो आई है जो हमारा जो इंडो जो आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है ये जो आपको पता होगा कि जब मे के टाइम पे जब क्वाड का जो समिट हुआ था जापान में तो उस टाइम जब नरेंद्र मोदी जापान गए थे तो उस टाइम पे ये जो है आपका आई इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ये बनाया गया था तो उसमें आप देखोगे उन पर जो है मेजर जो अगर मैं बताऊँ तो इनके जो जो आप कह सकते हो क्या इनका जो फोर्थ सेक्टर था क्या इन हमें कौन कौन से सेक्टर में बात करना है तो सेक्टर में अब देखोगे ट्रेड को लेकर इस पर बात किया जा रहा था सिमिलरली आप देखोगे क्या क्लीन जो है क्लीन इकॉनमी को लेकर बात किया जा, जा रहा था क्या जो जो है और फिर सिमिलरली आप देखोगे क्या जो है क्लीन एनर्जी को लेकर बात कर रहा था क्लीन इकॉनमी को लेकर बात किया जा रहा था और फिर आप देखोगे क्या जो सप्लाई चेन है उसको हम डाइवर्सिफाई किस तरीके से कर सकते हैं तो सप्लाई चेन को लेकर था क्लीन एनर्जी को लेकर था और फिर आपका जो है वो आपका हो जाएगा क्लीन एनर्जी ये चार सेक्टर था और ट्रेड का एक सेक्टर था तो ये जो इंडिया जो अभी अगर मैं इंडिया का स्टांस बताऊं जो पीयूष गोयल जो अभी गए हुए थे तो ये जो इंडिया का स्टांस बताओ तो ये तीन सेक्टर में जैसे ग्रीन एनर्जी को लेकर हो गया फिर आपका जो क्लीन एक इकोनॉमी को लेकर हो गया तो इन इन चीजों को लेकर जो है इन पे जो है हमारा जो है आ, इन पे जो इंडिया बोल रहा है ठीक है हम इन चीज़ों पे एग्री करते हैं लेकिन जो ट्रेड वाला एस्पेक्ट है इन पे अभी एक कह सकते हो बोन ऑफ कंटेंस है क्यों क्योंकि अब देखोगे कि, कि जो इंडिया पे ये एक कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का हो गया क्या आप जो है जो है अपने मार्केट का एक्सेस दो क्योंकि यू और जो भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर और भी जो मेम्बर नेशन है वो अपने मार्केट का इंडिया को एक्सेस दे नहीं रहे हैं लेकिन उस पर आप क्या कह रहे हो कि कह सकते हो कि हाँ आप जो है जब जो भी प्रोड्यूस करोगे तो क्लीन एनर्जी यूज़ करो सिमिलरली आप उस पर टैरिफ कम करो जो भी आपका टेक्निकल जो बैरियर है जो आपका है, उसको कम करो उसको रेड्यूस करो तो ये आप कह सकते हो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता था क्या किस तरीके से बात होगा क्योंकि ये जो है रस् आपने मार्केट का इशू दिया नहीं है तो ये एक न्यूज़ इन डेवलपमेंट है अभी जिस तरीके से बात होगा तो आपको बस अभी ये याद रखना है कि जो हमारा इसमें मेंबर नेशन कौन कौन से थे ये आर से किस तरीके से डिफरेंट है आपको ये भी याद रखना है जो क्योंकि आर इंडिया आर सी भी ज्वाइन नहीं किया था तो आपको इस पर भी ध्यान रखना है तो और जो भी इसमें न्यूज़ इन डेवलपमेंट है वो अगर होगा तो उस पर फिर मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा अभी आपको जो है इस पर इतना याद रखना है कि हाँ जो इंडिया इनसे बाहर आ गया है ये एक अभी न्यूज़ इन ट्रांजिशन है इस पर और जो भी डेवलपमेंट होता है फिर हम लोग बात करेंगे तो आज के न्यूज़ में इतना ही था आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है थैंक यू